हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। इस समय है जाड़े का मौसम और जाड़े के मौसम में स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई खींची खींची सी, और इस मौसम में बार बार फेस को क्लीन करने का भी मन नहीं करता। इस मौसम में ना स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपी सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और साथ ही ना जिनके पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है या ब्लैक हेड वर्टेड्स की प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा निकलने लगते हैं। किन्हीं किन्हीं की नाक में देखो तो बहुत ज्यादा कीले सी हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो आज मैं आपको होममेड स्क्रब बता रही हूँ, जिससे आप स्क्रब भी कह सकते हो, फेस वॉश भी कह सकते हो, और इससे अगर आप अपने फेस को क्लीन करते हो ना तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी रहेगी, साथ में आपका स्क्रबिंग का भी काम करेगा, यानी कि आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड, जो छोटे छोटे से दाने हैं या फिर छोटे छोटे से जो मोल्स, जो मस्से वगैरह होते हैं वो भी निकल जाएंगे। जाड़े के मौसम में ना हाथ पैर भी बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई से फटे फटे से हो जाते हैं, बहुत से लोगों के ना हल्की हल्की सी इस तरह से काली काली सी चित्ती चित्ती सी भी पड़ जाती है। आज मैं आपको जो बता रही हूँ इससे आप अपने हाथ पैर का कालापन है, गर्दन का कालापन है, ये सब दूर कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत ही इजी चीज है, आपको आपके घर पे ही मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लेंगे चावल, और ये आप कोई भी चावल ले सकते हो। चावल आपकी स्किन से मेलानिन की मात्रा को कम करता है, यानी कि जो चेहरे पे डार्कनेस होती है उसको कम करता है, और चावल स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है। तो आपको चावल इस तरह से खड़ा नहीं लेना है, आपको पिसा हुआ चावल लेना है। तो ये मैंने चावल को पीस लिया है, ये आप आराम से ग्राइंडर में अपनी मिक्सी में पीस सकते हो, तो ये आराम से घर में पिस जाता है। तो इस चावल को मैंने पीस लिया है और इसका बना लिया है मैंने आटा। अब इसको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए हम लेंगे दही, यानी कि कर्ड। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को टाइट करता है, और दही ना एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आपके फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो दही जो है स्किन को टाइट और ब्राइट करता है, साथ ही स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को भी रिमूव करता है। तो हम क्या करेंगे कि इस चावल के आटे में ना हम डालेंगे दही। दही आपको उतना ही डालना है जितना इसमें जरूरत होगी, तो हम इसमें एक चम्मच दही डाल देंगे। और ये ना आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके भी यूज कर सकते हो, ये चेहरे से दाग धब्बों को भी दूर करता है दही और चावल का आटा। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये एक पेस्ट सा बन गया है। इसको ना आप दही और ये चावल का जो आटा है ना, ये आप ना बच्चों के भी लगा सकते हो, बच्चों की स्किन पे भी लगा सकते हो। इस ये आपका स्क्रब का भी काम करेगा, साथ ही आपका फेस वॉश का भी काम करेगा और मॉइस्चराइज भी करेगा स्किन को। तो इसको आप हर एज के लोगों के यूज कर सकते हो, और चाहे जेंट्स लेडीज सबको यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे लगाना है, बस आपको पहले अपने बालों को मैं ऊपर कर लूं। इसको हम इस तरह से लेंगे और पूरे फेस पे हम ऐसे लगा लेंगे, लगा कर या तो आप छोड़ दो थोड़ी सी देर, जब तक आप वॉशरूम में हो, कुछ काम कर रहे हो, आप लगा के छोड़ दो, फिर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लो, और आप या फिर आप इसको लगा कर हल्के हल्के हाथों से मसाज करके क्लीन कर लो फेस को। इस तरह से पूरे फेस पे लगा लेंगे, और लगा करके या तो आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज कर लो और फिर फेस को क्लीन कर लो, या फिर आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि आप थोड़ी देर लगा रहने दो, फिर आप हल्के गुनगुने पानी से आप फेस को या हाथ पैर को या जहां पर भी आप लगाते हो इसको आप फुल बॉडी में भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम मसाज कर लेंगे और इस तरह से हाथों में भी लगा लेंगे, और उसके बाद हम अब गुनगुने पानी से फेस को क्लीन कर लेंगे। आप देखोगे जितनी भी स्किन में गंदगी है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वो आपके निकल जाएगी। जितनी भी आपकी स्किन में मैल है या ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है ना, वो सब रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब मैंने ये हल्के से कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन करके आती हूँ। अभी हमने फेस को क्लीन कर लिया है गुनगुने पानी से, और आप देख सकते हो स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट क्लीन हो गई है, स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो गई है।
तो इस तरह से आप ना आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, आपको फेस वॉश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके फेस वॉश का भी काम करेगा, साथ ही आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी रखेगा और ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी जितने होते हैं ना, गंदगी होती चेहरे पे जम जाती है वो भी निकालेगा। आपके नीचे डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है या चेहरे पे जो ब्राउन ब्राउन से स्पॉट हो जाते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके इससे चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा, थैंक यू। और हाँ, इसको यूज करने के बाद इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।